नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देश में जल्द ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम शामिल हैं। इस बीच खबर है कि आज सोमवार 9 अक्टूबर को चुनाव आयोग दोपहर 12 बजे पांचों राज्यों में होने वाले चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाला है। बता दें कि इन आगामी चुनावों के मद्देनजर तमाम राजनीतिक दल पहले से ही अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। आज सोमवार 9 अक्टूबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होनी है। इस बैठक में मुख्य रूप से आगामी विधानसभा चुनाव और जातीय सर्वेक्षण पर चर्चा होने की संभावना है। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, 5 चुनावी राज्यों में कांग्रेस विधायक दल के नेता और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे और आगामी चुनाव के मद्देनजर आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने हाल ही में राज्य में जातीय सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी चुनाव के बाद सत्ता में बने रहने पर कांग्रेस ने जातीय जनगणना कराने की घोषणा की है। इसके अलावा कर्नाटक में भी कांग्रेस द्वारा पहले ही जातिगत गणना की घोषणा की जा चुकी है। एनसीपी में हुई दो फाड़ के बाद दोनों गुटों के बीच खींचतान जारी है। इस बीच खबर है कि शरद पवार गुट ने बागी विधायकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दरअसल शरद पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को उनके विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया जाए, जो पाला बदलकर अजीत पवार के साथ चले गए। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस बारे में एनसीपी के सूत्रों द्वारा जानकारी दी गई। सूत्रों ने बताया कि शरद पवार गुट की ओर से महाराष्ट्र अध्यक्ष जयंत पाटिल ने 24 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है। हमने इसमें स्पीकर को विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि स्पीकर के सामने हमने 2 जुलाई को एक याचिका दायर की थी। 3 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है और उन्होंने अभी तक हमारी याचिका पर विधायकों के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसके चलते हमने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बता दें कि आज सोमवार 9 अक्टूबर को अदालत इस मामले पर सुनवाई कर सकती है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 निरस्त किए जाने के बाद लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल की कारगिल विंग में हुए चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त मिली है। इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी को आज कारगिल चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन के हाथों करारी शिकस्त मिली। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस इन चुनावों में अपनी जीत से बेहद खुश है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यह परिणाम उन सभी ताकतों और दलों के लिए एक संदेश है जिन्होंने स्थानीय लोगों की सहमति के बिना अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक तरीके से पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया था। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस LHDC कारगिल चुनाव में 12 पार्षदों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। कांग्रेस के साथ हमने सीटें शेयर की, हमारे पास 26 में से 22 पार्षद हैं। यह बीजेपी और उसकी विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ एक शानदार जनादेश है। आपको बता दें कि कारगिल चुनाव में 26 निर्वाचन क्षेत्रों में से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने 22 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं बीजेपी को केवल 2 सीट मिली हैं और 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव जीता है। वहीं PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की जीत पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को कारगिल में जीत दर्ज करते हुए देखकर खुशी महसूस हो रही है। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग में मरने वालों का आंकड़ा 1000 के पार पहुंच गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थिति बेहद गंभीर होती जा रही है। आपको बता दें कि शनिवार को हमास ने इसराइल पर हमला बोलते हुए 5000 रॉकेट दागे थे, जिसके जवाब में इसराइल ने भी विनाशकारी हवाई हमले करते हुए युद्ध की स्थिति घोषित कर दी। इस हमले के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि इसराइल गजा को मलबे में तब्दील कर देगा। इस बीच बिगड़ते हालात को देखते हुए एयर इंडिया ने इसराइल के तेल अवीव से दिल्ली की सभी फ्लाइट्स 14 अक्टूबर तक के लिए रद्द कर दी हैं। साथ ही बता दें कि जहां एक तरफ भारत, अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देश इस मुश्किल घड़ी में इसराइल के साथ खड़े हुए हैं, तो वहीं खबर है कि हमास के इस हमले को ईरान द्वारा फंडिंग की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र में इसराइल के स्थायी प्रतिनिधि गिलाद एर्दोन ने कहा कि ईरान इसराइल के खिलाफ हमास अटैक को फंडिंग कर रहा है। इसराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इस बीच खबर है कि इसराइल में फंसे 27 भारतीयों को वहां से निकाल लिया गया है। इस बात की जानकारी देते हुए मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ताज़ा जानकारी के अनुसार और विदेश मंत्रालय और हमारे भारतीय मिशन के प्रयासों से मेघालय के हमारे 27 नागरिक जो इसराइल और फिलिस्तीन के युद्ध संघर्ष क्षेत्र में फंस गए थे, उन्होंने सुरक्षित रूप से सीमा पार कर मिस्र में प्रवेश कर लिया है।
दरअसल यरूशलेम की पवित्र तीर्थ यात्रा के लिए गए मेघालय के 27 नागरिक इसराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव के कारण बेतलहम में फंस गए थे। इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री संगमा ने कहा था कि मैं उनके सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित करने के लिए विदेश मंत्रालय के संपर्क में हूँ। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ टीएमसी केंद्र की मोदी सरकार द्वारा मनरेगा और अन्य योजनाओं के लिए फंड रोकने के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रही है। इसी सिलसिले में टीएमसी नेताओं ने 2 और 3 अक्टूबर को राजधानी दिल्ली में भी विरोध प्रदर्शन किया था। वे अब 5 अक्टूबर शाम से टीएमसी नेता और कार्यकर्ता राजभवन के पास धरना दे रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी लगातार केंद्र सरकार और राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर हमलावर हैं। उन्होंने कहा था कि जब तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल मनरेगा को लेकर उनके 2 सवालों का जवाब नहीं देते, तब तक वह यहीं बैठे रहेंगे। अब इस बीच टीएमसी नेता ने पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल को भी घेरे में लेते हुए गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ को टीएमसी सरकार का लगातार विरोध करने का इनाम मिला है। इस विरोध के इनाम के तौर पर उनको भारत का उपराष्ट्रपति बनाया गया है। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ टीएमसी द्वारा राजभवन के सामने किए जा रहे धरना प्रदर्शन को लेकर राज्यपाल कार्यालय की ओर से ममता सरकार को विज्ञप्ति जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। राज्यपाल कार्यालय की ओर से मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में जिन 3 सवालों पर स्पष्टीकरण मांगा गया है, उसमें पहला सवाल ये है कि क्या कोलकाता पुलिस ने राजभवन के सामने अस्थायी मंच बनाकर धरना प्रदर्शन करने की इजाज़त दी थी। दूसरे सवाल में पूछा गया है कि यदि शहर की पुलिस ने इसकी अनुमति दी थी तो यह किस कानूनी प्रावधान के तहत दी गई थी। तीसरे सवाल में कहा गया है कि यदि उसने अनुमति नहीं दी थी तो पिछले 3 दिन से पुलिस की अनुमति के बिना धरना प्रदर्शन किए जाने के मामले में नगर पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। दरअसल राज्यपाल कार्यालय का कहना है कि पुलिस प्रशासन राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन की अनुमति कैसे दे सकता है, जबकि परिसर के 150 मीटर क्षेत्र के दायरे में पूरे साल 2400 घंटे निषेधाज्ञा लागू रहती है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।